खरगोन में दीपावली के पर्व पर वेस्ट मटेरियल से एक युवती ने आकर्षक और अद्भुत इको फ्रेंडली रंगोली बनाई है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सजावट के साथ रंगोली बनाने की धार्मिक मान्यता होती है। शहर के नूतन नगर निवासी संयुक्ता जैन ने वेस्ट मटेरियल का उपयोग कर इको फ्रेंडली रंगोली बनाई है। खास बात तो यह है कि रंगोली में मार्बल की चूरी, रंग बिरंगे कलर, भट्टे के कट्टे और घरेलू बर्तन दीपकों का उपयोग किया गया है। इको फ्रेंडली रंगोली दीपावली पर आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गई है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वेस्ट सामग्री से बनी इस रंगोली में कोई विशेष खर्चा भी नहीं आया है। 27 वर्षीय संयुक्ता जैन की रंगोली को देखने के लिए कई लोग पहुंच रहे हैं। इको फ्रेंडली रंगोली को इस बार खूब लोग पसंद कर रहे हैं। सबको जय जिनेंद्र, हैप्पी दीपावली। ये जो हमने रंगोली बनाई है, ये हर साल हम वेस्ट मटेरियल और रीयूजेबल मटेरियल, रिसाइकेबल मटेरियल को यूज़ करके बनाते हैं, जिससे जैसे लोगों को भी ये जो मटेरियल है वो बाद में काम आ सके और हमारे भी काम आ सके। मैंने मार्बल की चूरी की रंगोली बनाई है और भुट्टे का कट्टा लिया है, उसकी रंगोली बनाई है, और इसमें जो कलर है वो भी इको फ्रेंडली है। तो जो वोकल फॉर लोकल जो होता है हमारा, उसको ध्यान में रखते हुए जो भुट्टे हमारे यहाँ पे प्रसिद्ध हैं उनको भी यूज़ में करते हुए उनका मैंने ये रंगोली बनाई है। और मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी जो भी काम करें दीपावली में, वो हमारे इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करें। और सबसे मेन तो होता है कि परिवार का साथ, जब तक परिवार का साथ नहीं हो ये काम अधूरा ही होता है। सब मिलके जो काम करते हैं उसका आप देख ही सकते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो आप सबको हैप्पी दीपावली। कितने समय लगा इसमें और कितना पैसा लग गया होगा? इसमें पैसा तो रंग का पैसा लगा और मार्बल की जो चूरी है वो मैंने खरीदी है, लेकिन वो मेरा जो गार्डनिंग है उसमें मेरे को वो मार्बल यूज़ आ जाएगा। बाकी जो है बाकी सब जो घर की चीज़ें हैं, जैसे बर्तन घर के लिए हैं, अचार की बर्नियाँ पुरानी यूज़ करिए, सब जो घर में हमारे पास होता है उसी को उपयोग किया। क्या नाम लिखते हैं पूरा? संयुक्ता जैन। खरगोन से अब्राल पठान की ये रिपोर्ट।